नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। केंद्रीय कैबिनेट विस्तार ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कूच विहार से बीजेपी सांसद नितीश परमानिक मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार को भी बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। शिवसेना को टक्कर देने के लिए कपिल पाटिल को भी कैबिनेट में जगह मिली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कोऑपरेशन मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो कैबिनेट का विस्तार हुआ है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कद बढ़ गया है और जिस सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया था उसकी जिम्मेदारी अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सौंपी गई है। यानी अब सहकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी भी वो संभालेंगे। आपको बता दें, सहकार से समृद्धि के विजन को मजबूत करने के लिए इस मंत्रालय का गठन किया गया था। सहकारिता मंत्रालय कॉरपोरेटिव मूवमेंट को मजबूती देने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत फ्रेमवर्क उपलब्ध कराएगा। ये जिम्मेदारी इस मंत्रालय की होगी, सहकारी समितियों को पिछड़ने से बचाने और उन्हें विकास के मार्ग पर आगे ले जाने की जिम्मेदारी भी अब सहकारिता मंत्रालय की होगी। एक नया मंत्रालय का गठन हुआ है और पहले मंत्री जाहिर तौर पर अमित शाह बने हैं। आपको बता दें, देश में पिछले कुछ सालों में कॉरपोरेटिव से जुड़े घोटालों में काफी इजाफा हुआ है। अगर बात महाराष्ट्र की जाए तो महाराष्ट्र में ऐसे कई घोटाले सामने आए हैं जो कि सहकारी बैंक में हुए हैं। फिर चाहे महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाले की बात की जाए, जिसमें हाल ही में जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं अजीत पवार, उन पर शिकंजा कसा गया है। तो ऐसे जो भ्रष्टाचार लगातार कॉरपोरेटिव घराने में हो रहे हैं, उन पर लगाम लगाने के लिए इस मंत्रालय का गठन किया गया है। जाहिर तौर पर शरद पवार के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि लगातार महाराष्ट्र में ऐसे घोटाले सामने आ रहे हैं। लोगों का यह साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह को सहकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्या ये शरद पवार पर नकेल कसने की कोशिश सरकार की है? ये सवाल लोग लगातार कर रहे हैं, क्योंकि ये जिम्मा साफ तौर पर बता रहा है कि शरद पवार पर शिकंजा आने वाले वक्त में कसा जा सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में लगातार कॉरपोरेटिव बैंक में घोटाले सामने आ रहे हैं, जिसमें शरद पवार के करीबी शिकंजे में है ईडी के। और हाल ही में एक चीनी मिल जो कि 65 करोड़ रुपए का था, उसे सीज किया गया है। तो ये घोटाले जिन पर शिकंजा आने वाले वक्त में कसा जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सहकारिता मंत्रालय की सौंपी गई है। तो जाहिर तौर पर लोग यही कह रहे हैं कि ये मिनिस्ट्री जिसका पदभार अब अमित शाह संभालेंगे, ये कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में शरद पवार को भारी पड़ सकता है, क्योंकि अब जो घोटालेबाज हैं वो एक के बाद एक शिकंजे में आएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट के विस्तार ने विपक्ष को बड़ा झटका दिया है, और खास तौर पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस तरीके से लगातार हिंसा को दावत बंगाल में दे रही हैं। लेकिन अब बड़े चेहरे विपक्ष के जो बीते कुछ सालों में बीजेपी में शामिल हुए हैं, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी केंद्रीय कैबिनेट में मिली है। केंद्रीय कैबिनेट में कुछ बड़े चेहरे शामिल किए गए हैं। अगर बात बंगाल की जाए तो पश्चिम बंगाल से मोदी मंत्रिमंडल में 4 नेताओं की एंट्री हुई है, जिसमें निशित परमानिक वो नाम है जो बंगाल हिंसा को लेकर ममता बनर्जी के खिलाफ जिन्होंने मोर्चा संभाल रखा था और लगातार सवाल ममता बनर्जी से पूछ रहे थे कि आखिर बंगाल में यह हिंसा क्यों हो रही है। इसके अलावा सुभाष सरकार, शांतनु ठाकुर, जॉन पाटला को मंत्री बनाया गया है। निशित परमानिक जिन्हें गृह राज्य मंत्री बनाया गया है, जाहिर तौर पर अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये इसलिए है क्योंकि पश्चिम बंगाल में लगातार हिंसा हो रही है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, और चूंकि इस हिंसा का हल निकालना गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है, लेकिन गृह मंत्रालय की टीम को भी बंगाल में हमला उन पर किया जा रहा है, और ऐसे में बंगाल से अब गृह राज्य मंत्री बनाया गया है जो जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी लगातार सवालों में घिरी हुई है।
आपको बता दें कुछ बिहार से बीजेपी के सांसद हैं नीतीश परमानिक और लगातार ममता बनर्जी पर हमलावर नजर आए हैं। बीजेपी के जो सबसे प्रमुख चेहरे बंगाल में हैं उनमें से एक हैं। आपको बता दें 2018 में जब बंगाल में पंचायत चुनाव हुए तो उसमें उम्मीदवारों के चयन को लेकर दरअसल वो पहले टीएमसी में थे, लेकिन उस वक्त टीएमसी से उनकी तकरार हुई थी जिसके बाद उन्होंने बीजेपी में आने का फैसला किया था। 2019 में वो बीजेपी में शामिल हुए और चुनाव लड़े और बीजेपी से सांसद हैं नीतीश परमानिक, और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है वो उन्हें सौंपी गई है। इसके अलावा आपको बता दें मतुआ समुदाय का ख्याल रखते हुए कैबिनेट में शांतनु ठाकुर जो कि बोगांव लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद हैं उन्हें जगह दी गई है। आपको बता दें शांतनु ठाकुर को जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा जॉन बाढ़ा जो कि बीजेपी सांसद हैं और उन्हें अल्पसंख्यक मंत्रालय में राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। तो जॉन बाढ़ा की अगर बात की जाए तो हाल ही के दिनों में उन्होंने पुरजोर तरीके से यह मांग की है कि दरअसल उत्तर बंगाल के जो इलाके हैं उनमें ममता बनर्जी विकास नहीं कर पा रही है, ऐसे में बंगाल का विभाजन हो और उत्तर बंगाल को एक अलग केंद्र शासित राज्य बनाया जाए। तो ये वही जॉन पार्ला हैं जिन्हें ये अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा सुभाष सरकार जो है उन्हें शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारियां हैं वो बंगाल से इन बीजेपी सांसदों को सौंपी गई है। लेकिन ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका जाहिर तौर पर है क्योंकि बंगाल में जिस तरीके से तानाशाही शासन ममता बनर्जी कर रही हैं और बंगाल में हिंसा का दौर जारी है, ऐसे में गृह राज्य मंत्री की जिम्मेदारी नीतीश परमानिक को मिलना ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। उस वक्त जब गृह मंत्रालय पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर सजग है और लगातार ममता बनर्जी से सवाल पूछे जा रहे हैं, चेतावनी उन्हें मिल रही है, तो ऐसे में बंगाल में ममता बनर्जी की मुश्किलें अब आने वाले वक्त में बढ़नी तय मानी जा रही है। वहीं दूसरी ओर अगर बात महाराष्ट्र की जाए तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार के लिए बड़ा झटका है क्योंकि चार नेताओं को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली है। महाराष्ट्र से प्रमुख चेहरे हैं ये, वो चेहरे हैं जो शिवसेना और साथ ही एनसीपी कांग्रेस की सरकार में मंत्री रह चुके हैं महाराष्ट्र में, तो इन्हें अब केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिलना जाहिर तौर पर शरद पवार के लिए मुश्किलों भरा वक्त आने वाले वक्त में हो सकता है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे को एमएसएमई मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है, कैबिनेट मंत्री उन्हें बनाया गया है। आपको बता दें नारायण राणे महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा नाम है, वो एनसीपी और कांग्रेस पार्टी की सरकारों में विलासराव देशमुख, अशोक चौहान और पृथ्वीराज चौहान के मंत्रिमंडल में राजस्व मंत्री और उद्योग मंत्री भी रह चुके हैं। नारायण राणे अपने कट्टर रुख जो है शिवसेना के प्रति उसके लिए जाने जाते हैं, तो ऐसे में आपको बता दें वो कोंकण के रहने वाले हैं, ये वो इलाका है जहां शिवसेना का गढ़ माना जाता था, लेकिन नारायण राणे जब से बीजेपी में शामिल हुए हैं बीजेपी का वोट बैंक जो है उस इलाके में बढ़ा है, ऐसे में उन्हें ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि महाराष्ट्र में जाहिर तौर पर उसके बाद उद्धव ठाकरे और शरद पवार की मुश्किलें बढ़ेंगी और यही वजह है कि प्रियंका चतुर्वेदी की ओर से एक ट्वीट भी किया गया है जिसमें उनकी बौखलाहट देखने को मिली है। प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि एमएसएमई क्षेत्र के साथ मेरी सहानुभूति है, भारत के विकास की कहानी के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में से एक को कैबिनेट फेरबदल में इस तरह की अवमानना के साथ व्यवहार किया गया है। आश्चर्य है कि सरकार द्वारा छोटे व्यवसाय को महत्वपूर्ण क्यों नहीं माना जाता है, उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए सही व्यक्ति को नियुक्त किया जाए, ये कहा गया है प्रियंका चतुर्वेदी की ओर से, जो साफ तौर पर दिखाता है कि किस तरीके से बौखलाहट जो है उनकी सामने आई है। लेकिन नारायण राणे ने पदभार संभाल लिया है और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी दिया है। इसके अलावा आपको बता दें भिवंडी से बीजेपी सांसद कपिल पाटिल जो कि ओबीसी वर्ग से हैं पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री उन्हें बनाया गया है
और थाने क्षेत्र जो कि शिवसेना का गढ़ माना जाता है वहां से वो आते हैं और आने वाले वक्त में जाहिर तौर पर बीएमसी के चुनाव जो हैं वो महाराष्ट्र में होने हैं। ऐसे में कि महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। इसके अलावा डॉक्टर भारती पवार जो कि अनुसूचित जाति वर्ग से हैं और स्वास्थ्य राज्य मंत्री उन्हें बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय इस वक्त बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस तरीके से कोरोना महामारी का ये दौर देश में चल रहा है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपने पद से इस्तीफा दिया जिसके बाद नया जो मंत्री है वो बनाए गए हैं जाहिर तौर पर। और स्वास्थ्य राज्य मंत्री की जिम्मेदारी महाराष्ट्र से आती है, डॉक्टर भारती पवार जिन्हें सौंपी गई है। इसके अलावा डॉक्टर भागवत कराड जिन्हें वित्त राज्य मंत्री बनाया गया है। तो महाराष्ट्र में भी जो महत्वपूर्ण पद है राज्य मंत्री के, कैबिनेट मंत्री के, वो वहां बीजेपी सांसदों को सौंपे गए हैं जो कि उद्धव ठाकरे और जाहिर तौर पर शरद पवार के लिए बड़ा झटका है। ये तमाम जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी तमाम बड़े नेताओं को सौंपी गई है। दरअसल सरकार का लक्ष्य यही है कि तमाम राज्यों का जो विकास कार्य है वो हो पाए और जाहिर तौर पर 2024 से में चुनाव है। चुनाव से पहले ये कैबिनेट में बड़ा फेरबदल साफ तौर पर दिखा रहा है कि सरकार की जो रणनीति है वो यही है कि विकास कार्यों को हर एक राज्य में बेहतर तरीके से हो पाए, देश में हो पाए। और यही वजह है कि बंगाल से लेकर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश तक ये तमाम बड़े नाम कैबिनेट में सामने आए हैं। तो केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार हुआ है जिसमें तमाम अहम मंत्रालय, तमाम अहम नेताओं को सौंपे गए हैं, सांसदों को सौंपे गए हैं। लेकिन आपको बता दें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कद और ज्यादा बढ़ चुका है क्योंकि हाल ही में केंद्र की ओर से जो कॉरपोरेशन मंत्रालय का गठन किया गया है उसकी जिम्मेदारी भी अब अमित शाह को सौंप दी गई है। तो अब आपको बता दें सहकारिता मंत्रालय जिसका गठन सरकार की और से सहकार से समृद्धि के विजन को मजबूत करने के लिए किया गया था जिससे कृषि क्षेत्र मजबूत हो, उसमें समृद्धि का जो मार्ग है वो तय कर पाए सरकार, इसको लेकर ही इस मंत्रालय का गठन किया गया जिसकी जिम्मेदारी अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सौंपी गई है। यानी गृह मंत्रालय भी वो संभालेंगे और कॉरपोरेशन मंत्रालय भी गृह मंत्री अमित शाह ही संभालेंगे। तो ये अहम जिम्मेदारी और अहम जो मंत्रालय है वो उन्हें सौंपा गया है। इसके अलावा आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह ही संस्कृति, पर्यटन और उत्तर पूर्व मंत्रालयों का देखभाल करेंगे, ये उनकी ही जिम्मेदारी है। कैबिनेट में उन्हें इन तमाम मंत्रालयों को देखना होगा। तो ये अहम जिम्मेदारी जो है इन तमाम अहम नेताओं को सौंपी गई है। खुद अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो आपको बता दें विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय को प्राथमिकता दी गई है। भारत ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि जब भारत में साइंटिफिक इनोवेशन की बात आती है तो भारत दुनिया में सबसे ऊपर रहता है। खासतौर पर कोविड के समय में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का चार्ज अब पीएमओ यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में ही रहेगा। तमाम अहम मंत्रालय हैं आपको बता दें जिनकी जिम्मेदारी तमाम बड़े नेताओं को सौंपी गई है। अगर बात ज्योतिरादित्य सिंधिया की जाए जो कि कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं, उन्हें नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा आपको बता दें स्मृति ईरानी महिला बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है और हरदीप सिंह पुरी नए पेट्रोलियम मंत्री नियुक्त किए गए हैं और शहरी विकास मंत्रालय भी उन्हीं के पास रहेगा। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार उन्होंने संभाला है। पीयूष गोयल कपड़ा मंत्रालय सौंपा गया है, यानी मंत्रालय बदल गया है। पहले रेल मंत्री थे लेकिन अब कपड़ा मंत्रालय उन्हें सौंपा गया है। रेल मंत्रालय अश्वनी वैष्णव को सौंपा गया है और इसके अलावा दिल्ली से एक बड़ा चेहरा मीनाक्षी लेखी जिन्हें विदेश राज्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश से एक बड़ा चेहरा है अनुप्रिया पटेल जो कि सहयोगी दल है बीजेपी का, अपना दल, वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री उन्हें नियुक्त किया गया है। इसके अलावा जो एसपी बघेल हैं आगरा से सांसद, उन्हें कानून न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। तो तमाम ये अहम मंत्रालय हैं जिनकी जिम्मेदारी अहम जो लोग हैं उन्हें सौंपी गई है ताकि जो ये जिम्मेदारी है सही से संभाल पाए। चुनौतियां भी ज्यादा हैं, ऐसे में ये तमाम जो मंत्रालय हैं इनकी जिम्मेदारी
इन तमाम बड़े चेहरों को सौंपी गई है। असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल की अगर बात की जाए तो पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज और आयुष मंत्रालय की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। अनुराग ठाकुर का प्रमोशन हुआ है, वित्त राज्य मंत्री थे लेकिन अब उन्हें खेल मामलों में मंत्री बनाया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी उन्हीं के पास रहेगा। रविशंकर प्रसाद से ये जिम्मेदारी छीन ली गई है। अब अनुराग ठाकुर सूचना और प्रसारण मंत्रालय संभालेंगे। किरण रिजिजू कानून मंत्री बने हैं। तो ये तमाम अहम मंत्रालय हैं जो बड़े नेताओं को सौंपे गए हैं। जिम्मेदारियां भी हैं और चुनौती भी है, लेकिन आखिर किस तरीके से संभालेंगे ये देखना होगा। लेकिन विपक्ष की बौखलाहट भी सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी से लेकर तमाम शिवसेना और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बौखलाई हुई हैं इस कैबिनेट विस्तार से। जाहिर तौर पर आपको बता दें, ये जो कैबिनेट का विस्तार हुआ है इसमें 7 मंत्रियों को प्रमोशन दिया गया है, 36 नए चेहरों को इसमें शामिल किया गया है और कल कुल 43 मंत्रियों ने शपथ ली है, जिसमें 15 कैबिनेट रैंक के मंत्री हैं और इसके अलावा तमाम राज्य मंत्री हैं। और फिलहाल आपको बता दें, शपथ ग्रहण के बाद अब मोदी कैबिनेट में मंत्रियों की जो संख्या है वो कुल 77 हो चुकी है। तो अहम जो मंत्रालय है उसमें बड़ा फेरबदल हुआ है। तमाम चुनौतियां भी हैं और कड़ी जिम्मेदारी भी है, लेकिन देखना होगा कि आखिर किस तरीके से अपनी ये जिम्मेदारी नए चेहरे संभालते हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।